हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर एंड आई एम बैक एट फर्स्ट केयर। तो मैं लास्ट वीक यहाँ पे आया था, लास्ट वीडियो में देखा था आप लोगों ने, एंड आई पिक्ड अप सम स्टफ। कुछ गिव अवे के लिए प्रोडक्ट्स पिक किए थे जिसका गिव अवे अभी चल रहा है, तो यू गाइज कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट। उसके अलावा मैंने एक अपने लिए डर्ट सैक का सैडल बैग पिक किया था, फ्रॉगमैन, तो वो मैं घर लेके गया, मैंने GS पे लगाया। बट देन आई रियलाइज कि यार वो अभी जो मैं राइड्स कर रहा हूँ, वन डे राइड्स कर रहा हूँ या शॉर्ट राइड्स कर रहा हूँ, उसमें उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अभी वो है लॉन्ग राइड्स के लिए। मैं लॉन्ग टूर्स वगैरह पर जाऊँगा तो उसमें ज़्यादा यूजफुल होगा, पर अभी शॉर्ट राइड्स के लिए मेरे को कुछ पिक करना था। एंड देन विनायक सजेस्टेड मी टू पिक अप शैट टॉप बॉक्स। तो शैट टॉप बॉक्स पर अभी कुछ डिस्काउंट भी आया हुआ है। कितने का पड़ रहा है अभी? 3999। एंड वैसे कितने का है? 5300 or something. 5300, ओके। एंड 29 लीटर्स वन? 29 लीटर्स, ओके। तो मैं आज अपनी GS भी लेके आया हुआ हूँ। आई जस्ट थॉट कि मैं एक शैट का टॉप बॉक्स फिक्स करके देखता हूँ, अगर अच्छा फिट होता है तो अभी शॉर्ट राइड्स वगैरह पे वो ज़्यादा यूजफुल होगा। सो वही पिक करने के लिए आया हूँ, तो दिखाता हूँ बॉक्स और क्या क्या है उसमें। तो इसमें हायर कैपेसिटी वाला भी नहीं है आपके पास? हायर कैपेसिटी वाला नहीं है? नहीं। अभी 29 लीटर्स का ही है, ओके। बट आई थिंक 29 लीटर्स वुड बी सफिशियंट। या मोर देन। सी द बॉक्स देन आई विल गेट नो रेकमेंड ना। इट्स प्रीटी हैंडी, यू कैन फिक्स इट ऑन योर ओन। हां, इतना ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगा, सिंस BMW हैज ऑलरेडी गिवन यू अ शील्ड रैक। सो शार्ट हैज यू नो अ सपोर्टिंग प्लेस वेयर यू कैन कीप योर बॉक्स ऑन टॉप ऑफ इट, एंड इट्स इजी माउंटेबल एज वेल एज सो वी कैन डू इट ऑन आवर ओन, राइट? यू कैन डू इट ऑन योर ओन। देयर यू गो, दिस इज शार्ट बॉक्स। जस्ट प्रेस इन, then you press and open it, so along with you will get two keys, and you have the base plate mount. Okay, so ये मेरे top rack पे लग जाएगा पीछे ना? आराम से, directly आराम से। and इतने सारे holes, अच्छा उसके किसी भी bike पे fit हो जाएगा? किसी भी bike में fit हो जाएगा, if you have a mount base plate to keep on top of your tail rack. So the screws are all provided with the clamps. Just all you have to do is just mount it underneath and then put the base cover on top of it, then fix it. And all you have to do is just, you have a lock here, so this will just, this will just go and sit on top of it. Oh, so this plate I can keep on my bike always? You can keep the plate always on the bike. I mean, it will remain as is since you have already mounted your clamps. So this one is removable. It's not necessary that you will have to leave your bike all the time. If you are feeling like, I mean, even if you park your vehicle in the apartment or anywhere, if you feel if you're not comfortable, if you want to take it back, all you have to just slide it and remove it and you can carry it. And pakadne ke liye isme yahi system hai na? System hai. All you have to do is just hold this and then carry it. Bhari to nahi ho jayega bahut zyada? Nahi, because मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पार्किंग इधर होती है, कैंप साइट थोड़ा ऊपर या नीचे होती है, तो उसमें आराम से लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग से कुछ होल्डर वो नहीं आता है ना? नहीं। एंड इसका बैक सपोर्ट, बैक रेस्ट भी आता है ना? इसका बैक रेस्ट भी आता है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुल इट अप हियर। सो व्हाइल यू आर पिलियन के लिए, देयर इज नो, आई मीन इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। वो बैक रेस्ट है क्या? बैक रेस्ट अभी फिलहाल स्टॉक नहीं है, आई कैन गेट यू। ओके ओके ओके। हाँ, बिकॉज मेरी राइड तो सब पिलियन के साथ में होती है। आई नो, आई नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। फिर भी लाइक एज आई मेंशन्ड, आई विल गेट यू द यू नो बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट, सो दैट इज मोर देन एनफ एक्चुअली। ठीक है, तो इसको एक बार लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रही शैट की बेस प्लेट, ये मेरी टॉप रैक। इसमें यहाँ पर 4 होल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, एंड अभी जो देख रहे थे हम लोग, काफी सारे स्लॉट्स हैं इसमें। सो डायरेक्टली ये यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा, इधर वाला कहाँ गया? ऐसे डालना है? Yes. ये यहाँ से पता है होगा। इसके बिना लगा दें, अगर क्लैंप के बिना तो लगा सकते हो, है ना? तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे मेरे क्या प्रॉब्लम। है ना?
बॉक्स नहीं होगा तो ऐसे आवाज आएगी, सीधे कैसे आवाज आएगी? खाली इसके खाली रहेगा तो मतलब थोड़ा आगे रहेगा। So if you want to release it, press here, right? Yeah, yeah. Either of it. So you can just hold it or like this. Oh. Just remove it. Yeah. And then again repress it and push it. So your base is coming here. So अभी ये box fit हो गया। यहाँ पर ये lock है। इसको यहाँ से unlock किया। ये open हो जाएगा। And यहाँ से lock कर देंगे। उसके बाद फिर ये open नहीं होगा। And release कर रहे हैं box को तो you just have to do this. यहां से प्रेस करना है, आ गया। And if you have to put it, थोड़ा I think जब पूरा बॉक्स भरा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। ये जो फ्रेम है ये चला जाएगा इस स्लॉट में, एंड देन यू टू डू दिस एंड प्रेस। उसके बाद थोड़ा सा और प्रेस करके हो गया। लव। So this is how the box looks on the bike. There, baby GS बड़ी हो गई। दो तीन साल बड़ी हो गई। But this looks good, man. And best part is कि एकदम बस स्टडी है। अभी वो बंजी रोप से बांध के और वो सब करना झंझट खत्म हुआ। Only thing I have to check is कि वो पिलियन को बिठा के ये कैसा रहता है, बैकरेस्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। Okay, तो ये मैंने last week pick किया था साडल बैग और आज ये टॉप बॉक्स भी किया है। दिस इज हाउ द कंप्लीट सेटअप लुक्स। बाइक अपनी अब फुल रेडी है, बस कोविड खत्म होने का इंतजार है लद्दाख जाने के लिए। तो ये 60 लीटर्स है, दिस इज 29 लीटर्स, मोर देन सफिशियंट। अगर ये पूरा हो जाता है तो अपना एक मंथ की राइड के लिए सारा सामान हो जाएगा। उसके बाद मेरा टैंक बैग वहां पर रहता है जिसमें कैमरा एक्सेसरीज रहती है, बट दिस इज मोर देन सफिशियंट। बट विद दिस बैग यू नीड टू हैव अ सैडल स्टे इफ यू आर पुटिंग इट। यहां पर ये साइलेंसर में टच हो रहा है, मतलब अभी नहीं हो रहा है पर इसमें जब भी थोड़ा और सामान आ जाएगा तो ये थोड़ा टच करेगा साइलेंसर में। सो यू नीड टू हैव अ सैडल स्टे इफ यू आर पुटिंग दिस बैग। इट वाज प्रीटी इजी टू इंस्टॉल, 10-15 मिनट लगे हम लोग को फिगर आउट करने में, पर आराम से मस्त इंस्टॉल हो गया इजिली। बहुत सही लग रहा है बाइक पे। अब उसमें सामान क्या आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा, वो मैं राइड्स पे दिखाता रहूंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं ऐसे निकलता हूँ। थैंक्स वंस अगेन विनायक फॉर द सजेशन एंड फॉर द बॉक्स। And this store is in Banshankri. आप लोग अगर यहाँ पर आसपास में हो so you can come here, check for discount. मेरा नाम लेके कोई discount मांगे तो थोड़ा दे देना discount. Okay, so you guys can come here. मेरा नाम ले लेना, शायद discount दे दे, नहीं दे तो कोई बात नहीं, products अच्छे हैं। You guys can come and visit here. Amazing place. So that's it from this video. Hope you guys enjoyed the video. If you did, do like it, comment से बताना कैसा लगा and do share the video. I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye-bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.